यार मैं जस्ट आज ही आई हूँ और ये पूरा मेस्ट अप पड़ा हुआ है मुझे. मेरे बैग्स हमेशा ऐसे ही रहते हैं, पैक हमेशा पैक रहते हैं. माय बेड इज वेटिंग फॉर मी. ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट विंडो ऑफ माय हाउस. क्योंकि मतलब जरूरत नहीं है इस चीज की. मैंने ऑयलिंग कर रखी है क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल वगैरह करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑयल अच्छे से लगा के फिर ट्रैवल करूँ. क्योंकि नो डाउट अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो आप अगर हेयर वॉश करके निकलोगे तो आपके बाल ख़राब ही होने. इट्स ए बेटर है कि आप यू नो वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग जस्ट ऑयल योर स्कैल्प एंड हेयर. तो अगर वो गंदे भी हो जाते तो आप जल्दी से घर जाके यू नो नहा सकते हो. लाइक एक बहाना है, कुछ भी बोल सकते हो. एंड जब मैं शिफ्ट कर रही थी तो मेरे पास बहुत ऐसे कपड़े थे जो मैंने हमारे जो दीदियाँ काम करने आती हैं उनको दे दिया था. और अभी भी जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी और मैं अपना सामान सेट कर रही थी तो मेरे पास जो भी ये कपड़े वगैरह थे तो हमारे यहाँ पे जो भी दी आती हैं, बच्चे आते हैं, मैं उनको दे देती हूँ. बिकॉज यार मुझे अच्छा लगता है कि हम कचरे में फेंकने से तो अच्छा है वो एटलीस्ट उसको खुश होकर पहन तो लेंगे. बिकॉज हमने भी पहने अपनी दीदी के कपड़े, ऐसा कुछ नहीं है. और मेरे लिप्स भी देख सकते हो बहुत चैप हो रहे हैं क्योंकि सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं. लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पानी पीती रहूँ. और है ना एक चीज़ बहुत अच्छी है ऑयली स्किन के लिए, जिनकी कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन होती है उनका ना फेस ग्लो करने लग जाता है. और यू कैन सी कि मेरी ना नोज हल्की हल्की यहाँ से रेड हो रही है और यहाँ से भी ना मतलब हल्का हल्का लग रहा है. पता नहीं मुझे ही लग रहा है या सच में है. नो सच में है. और बस लेट्स डू द वर्क. थोड़ा आई हूँ अभी घर पे, गर्म पानी पिया है मैंने और अब मैं सोची हूँ थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ. तो लेट्स डू दी साफ सफाई एंड उसके बाद मैं कुछ बनाती हूँ खाने के लिए क्योंकि अभी 2 बजे एंड आई हैव टू गो जिम. और मेरे साथ तो जब भी मैं कुछ भी बॉईल करती हूँ, स्पेशली क्या मिल्क, जब भी मैं दूध एकदम अच्छे से गर्म करती हूँ और मुझे पता है कि वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है, बॉईल हो रहा है, जैसे ही वो बॉईल हो रहा होता है मैं ध्यान देती हूँ और 1 सेकंड में अपनी नज़र ऐसे करती हूँ और वो सारा बाहर. सो बस सीरियसली यार, अकेले रहना और एक खुद काम करना बहुत अलग चीज़ होती है. मैं रह रही हूँ 4 साल से, लेकिन अब पहले दीदी मेड आती थी तो मैंने सोचा कि मुझे सब कुछ आता है, पर मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास जिस दिन शूट या कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँगी. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही करना चाहती हूँ. और एज आई एम अ स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ तो हमें ये सब सिखा रखा है. और NCC कैंप जो होता था हमारा 14 दिनों का, उसमें हमें सब कुछ बताया है. It's time to wish the
जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ और जिम जाने के लिए मैंने टॉप पहना है एंड आई विल शो यू मेरे फेवरेट दिस। मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ आप अपना होम टूर बनाइए या जब भी मैं कुछ कर रही हूँ तो हमेशा आवाज़ आ जाती है। जिम जाना बहुत जरूरी है। ये देखो जब भी मैं बोलने जाती हूँ तब ओके सो मेरे किसी मतलब मेरे लास्ट ब्लॉग पे बोला था कि प्लीज आप होम टूर दिखा दीजिएगा। यार होम टूर दिखा दू तो लेकिन है ना अभी थोड़ा सेटअप नहीं हुआ और ऐसे मैं नहीं चाहती कि यार ऐसा लगे कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है राइट। सो इसलिए आई विल मेक माई होम टूर फॉर श्योर एक बार पूरा प्रॉपर अच्छे से सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो जाए क्योंकि जस्ट आए हैं और मज़ा आ रहा है नो डाउट। हिम्मत करके चलिए लेके चलते हैं आपको पहले ही रखते हैं थोड़ी सी देखिए कितना बचता है और ये मेरा लुक है। देख रहे हो आप 2.04.06 मिली सेकेंड्स दो मिनट का आज प्लान करते हुए और ये मेरी हालत है एक्चुअली जब मुझे दर्द वर्द होता है तो मुझे हंसी आती है रोना आता है नो डाउट लेकिन मुझे ये जो ये वर्कआउट वगैरह जब भी मैं करती हूँ तो मुझे हंसी आती है। हाइजीन क्वालिटी अच्छी है मेरी। दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।